चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अलर्ट दे रहा हूं आप लोगों को। अलर्ट जो मैंने पहले दिया था आपको, एक चेतावनी है सभी देशवासियों के लिए कि क्या आगे कुछ परिस्थितियां बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आज का जो वीडियो है वो अलर्ट कोरोना रिटर्न्स, ये वायरस दोबारा से प्रभाव दिखाने लगा है। आपको याद होगा कि मैंने आज से 3 महीने पहले एक वीडियो दिया था, 3 महीने से कुछ ज्यादा टाइम हो गया है, जिसमें मैंने बताया था कि कोरोना जो है वो अपना प्रभाव और ज्यादा दिखाने वाला है और उसमें इंडिया में क्या क्या होगा वो भी मैंने आपको वहां पर बताया था। एग्जैक्ट डेट में देख रहा हूं, 26 दिसंबर 2022 को ये वीडियो दिया था, 26 दिसंबर। आज 3 महीने एग्जैक्ट हो गए हैं, 1-2 दिन ऊपर। तो आज तक क्या स्थिति है वो ही मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आखिर मैंने क्या बताया था आपको। उस समय आपको पता है कि कोरोना लगभग इनइफेक्टिव हो गया था, कहीं से कोई केसेस नहीं दिखाई दे रहे थे। पूरे भारत से कभी 1-2 केस आता था, 2-4 केसेस आते थे, बहुत ज्यादा केसेस नहीं आते थे। तो उस समय परिस्थितियां एकदम सामान्य सी दिखाई दे रही थी। तब मैंने आपको ये प्रेडिक्शन दिया था, कुछ मैं क्लिप सुनाऊंगा आपको क्या दिया था, आज क्या स्थिति है और आगे क्या होने वाली है। तीनों ही परिस्थितियां मैं आगे आपको नरेट करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है, जिसको अभी आप इस वीडियो में भी देखेंगे। हर वीडियो लगभग इसी तरह का हम आपको दे रहे हैं, जिसमें मैंने पहले जो बताया वो पूरी तरह सत्य, पहले जो बताया पूरी तरह सत्य। इसमें भी आप देखेंगे मैंने जो बताया था वो किस तरह से सटीक बिल्कुल घटित हो रहा है। शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए हमारे सभी वीडियोस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या मैंने आपको बताया था, छोटी सी क्लिप सुनिए और फिर हम आपको आगे इसका वर्णन देने वाले हैं। सुनिए, लोगों को ज्यादा जो आने वाले वहां से लोग हैं उनको बहुत ज्यादा उनको टेस्ट नहीं करें। यहां से सुनिए, यहां से क्या बाहर, और तो इस तरह से परिस्थितियां और आगे बढ़ने वाली हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या होने वाला है, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। अभी तक तो आपने देख लिया कि करोड़ों लोग वहां, और दुनिया में सबसे प्रभावित होने वाला इस समय चाइना। अब आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि आप देखेंगे कि भारत में भी इसका प्रभाव आएगा, लेकिन भारत में वो प्रभाव नहीं होगा जो दूसरी महत्वपूर्ण वेव, जो खतरनाक वेव थी पहले हो चुकी था, नहीं होगा। लोग प्रभावित होंगे, नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे अनडाउटेडली, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा मृत्यु दर नहीं रहेगी। जो और किसी बीमारी से लोग हैं परेशान या ज्यादा ऐसे क्रिटिकल हैं, उनकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि और ज्यादा लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं। आप देखेंगे केसेस एकदम बढ़ रहे हैं, और ये टाइम आपको बस इसी के साथ शुरू होने वाला है जब मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। आप देखेंगे कि डेली केसेस राइज कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जनवरी फरवरी में कुछ केस बढ़ेंगे और फिर अप्रैल तक आप देखेंगे कि उन केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, या फिर एक एक निश्चित बढ़ोतरी के बाद वहां से ये रुकना प्रारंभ होगा। कुछ राज्यों में ज्यादा प्रभाव इसका होने वाला है। यस, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में समझ लीजिए, यस, स्कूल्स कॉलेजेस और धार्मिक समारोह इन पे सब पे बैन होगा दोबारा से, यात्राओं पर भी काफी चेक्स लगाए जाएंगे, और कई परिस्थितियां ऐसी होंगी जो पहले की गई थी उनको डीटो किया जाएगा, उनको रिपीट किया जाएगा, लेकिन बहुत लंबा लॉकडाउन नहीं दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां यहां पर लंबी नहीं होंगी और ना ही उतनी ज्यादा मृत्यु होगी जो पहले हुई थी, लेकिन प्रभाव ये बहुत तेजी से होगा। ध्यान रखिए, जो आज आप देख रहे होंगे कि कुछ सौ केसेस हैं, वो हजारों बढ़ने में देर नहीं लगी, क्योंकि ये जो नए हमारे जो अलग अलग तरह के आए हैं वायरस की स्वरूप, ये तेजी से फैलने वाले हैं, ये बहुत तेजी से फैलने वाले।
जनवरी फरवरी और अप्रैल तक आप देखेंगे कि इनमें बाउंस अप हो रहा है केसेस में। क्या है आज, मार्च समाप्त होने वाला है, 3 दिन बाकी हैं। आज क्या स्थिति है, आज की मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट बता रहा हूं। ये एक न्यूज़पेपर है, इसकी आज की जो रिपोर्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या कह रही है वायरस के बारे में, कोरोना के बारे में। कह रही है कि 134 दिन के बाद कोरोना के सक्रिय मरीज 10,000 के पार हुए, 134 दिन के बाद, 4 महीने से ऊपर हो चुके, समझ लीजिए 4.5 महीने के बाद पहली बार ऐसी स्थिति हुई है कि 10,000 के पार मरीज हुए हैं। एक ही दिन में संक्रमण दर 3.19% से ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा है 3.19। अलग अलग राज्यों में 6 मरीजों की गई जान। तो ये एक पूरा फिर न्यूज है, ये आपने देखा कि आज 134 दिन के बाद वो रिकॉर्ड टूटा है मार्च के लास्ट में। तो ये अप्रैल और मई जो आ रहे हैं ये इस पर्टिकुलर कोरोना के लिए बहुत कंजीनियल हैं, इसका मतलब है ये तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ध्यान रखिए, अब लोगों के शरीर पहले से ज्यादा प्रोन है, पहले उन्होंने कोरोना का कोई भी स्वरूप अपने बॉडी के अंदर नहीं रखा था। यह भी है कि प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर किसी ना किसी स्वरूप में कोरोना का एक भाग है, एक जिसको कहते हो खंड है, किसी ना किसी रूप में उसके अवशेष हैं, चाहे तो उसने जो वैक्सीन लिया है या फिर उसको कोरोना हुआ है, किसी ना किसी तरह से वायरस ने अफेक्ट किया है। इसका मतलब है अब ज्यादा वल्नरेबल भी हैं लोग जिनको और कोई बीमारियां हैं। आपने देखा होगा बहुत जल्दी स्ट्रोक्स आ रहे हैं, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और व्यक्ति एकदम समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसकी मृत्यु हो रही। तो ये खास ख्याल रखिए कि ये वल्नरेबिलिटी ज्यादा है पहले से। वो सही है कि एक तरह से जो लोग हो गए हैं वो उसको सहन करने की स्थिति में है, लेकिन जो कमजोर है इसके इनवर्स देखिए वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल भी हो गए हैं। तो अब स्थिति क्या हुई, 134 डेज के बाद एकदम बाउंस अप हुआ है, 3.19% दिखा रहे हैं इसमें जो संक्रमण दर है, तो बहुत ज्यादा हो रही है और आगे ये बढ़ने वाली है, ध्यान रखिए। और ये केसेस हजारों में 10,000 से ऊपर पहली बार हुए हैं जो संक्रमित हैं अभी तक। तो आप ध्यान रखिए, यहां से बहुत बचाव रखने की आवश्यकता है, अपने बच्चों को खास बचा के रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही अब ये स्कूल्स वगैरह जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे, वहां से ये जो संक्रमण है और तेजी से बढ़ने वाला है। तो चेक्स एंड बाउंसेस लगेंगे सरकार के स्तर से, आप देखेंगे कि आप दोबारा आप उसी तरह के सभी मेजर्स ले रहे हैं। यहां पे आपको बांधना पड़ रहा है अपने मुंह को सुरक्षित रखने के लिए, कुछ ना कुछ आपको उपाय करने पड़ रहे हैं, वो चाहे आपका कोई देसी फॉर्मूला हो या फिर कोई और फॉर्मूला हो सकता है वो जैसे पहले किया गया था। साथ ही साथ आपको अलग अलग तरह के रिस्ट्रिक्शंस देखने पड़ रहे हैं, जैसे इससे ज्यादा भीड़ नहीं हो सकती एक जगह, या फिर ट्रेन में विशेष तरह के आपको प्रावधान लेने पड़ेंगे, कई तरह की चीजें आ सकती हैं। सरकार जरूर कुछ रिस्ट्रिक्शंस यहां लगाने जा रही है। तो आप सभी लोग इंडिविजुअली ध्यान रखिए, गर्म पानी जरूर लेते रहिए, हॉट वाटर शिप कर करके उसमें थोड़ी हल्दी मिला लीजिए। साथ ही साथ अगर ऐसी कोई स्थिति हो तुरंत तब तो चेकअप कराने की भी बहुत अच्छी परिस्थितियां हो गई हैं, चेकअप कराइए और कोशिश करिए कि उसका एक प्रॉपर जो भी मेडिकेशन है उसको लीजिए। और सबसे पहले जो है, सबसे पहले ऑन द टॉप ऑफ ऑल, होशियारी रखिए अपने स्तर पर, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में ऐसे ही मत घूमिए। जहां पर आपको लग रहा है सार्वजनिक जगह पर बहुत रश हो रहा है वहां जाने से बचिए, कवर करके रखिए अपने आप को, कोशिश करिए जितनी सावधानी रख सकते हो आप उतनी रख लो, नहीं तो एक बार अगर आप उससे प्रभावित हो गए तो फिर मुश्किल हो जाता है उससे रिकवर करना। तो ये परिस्थितियां हमने जो बताया था आपको एग्जैक्टली वही घटित हो रही हैं जो मैंने आपको मंथ्स बताए थे। अभी हमने आपको अप्रैल बताया है, अप्रैल मई तक ये परिस्थितियां बढ़ेंगी, इसलिए खास होशियारी रखने की आवश्यकता है। अगर सरकार ने सही रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए, सही मेजर्स नहीं लिए, तो ये फिर बाउंस अप करने वाला है और पहले की तरह केसेस एकदम बाउंस करेंगे, अस्पताल फिर भरेंगे,
मुसीबतें आने वाली हैं, इसलिए सरकार को भी इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल एडवाइस करता हूं कि रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू करिए, खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और जितनी भी सार्वजनिक जो भीड़ होती है उन पर आप चेक्स एंड बाउंसेस लगाइए, वहां कंट्रोल रखिए, नहीं तो इसे बढ़ने में बिल्कुल भी देरी लगने वाली नहीं है। ये बाउंस अप होगा और अप्रैल और मई ये दो महीने बहुत ही खतरनाक हैं सभी के लिए। तो कोशिश करिए दोस्तों अपने एंड पे अपने को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखने की कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा अनावश्यक रूप से घूमना फिरना ना हो और भीड़ भाड़ की जगह से अलग रहें। बच्चों को सुरक्षित रखिए, अपने जो भी पेट हैं, जानवर जो आप पालते हैं उनको सुरक्षा में रखिए, और नहीं तो एक भी परिवार का अगर सदस्य इससे प्रभावित हुआ तो सभी लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं, इसके प्रभाव में आ सकते हैं। तो कोरोना की परिस्थितियां वही उसी तरह से आ रही हैं। यहां पर आपने चाइना में देखा था अभी क्या हाल हुआ था। ये अगर ये ऐसा है कि अगर इसके साथ हमने थोड़ा सा हम केयरलेस हुए, असावधानी बरती, तो ये हमारे ऊपर हावी होते हुए देर नहीं लगेगी। जो केसेस आज आपको 10,000 दिखाई दे रहे हैं, ये अप्रैल 30 तक ये केसेस 1,00,000 या उससे ऊपर दिखाई देंगे। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम इन केसेस से अपने आप को बचा के चलें। आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं आपको फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर जल देने वाला हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।